बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ये बोल दिया जाए कि ओला कैब बुक करना आता है, तो वो बोलता है कि हमें ओला कैब बुक करना नहीं आता है। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो ओला कैब बुक करने से आपको ये फ़ायदा है कि एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या आउट ऑफ स्टेशन आप जा सकते हैं। तो ओला कैब जब आप बुक करेंगे तो आपके पास एक 4 डिजिट का OTP आएगा, वो OTP आपको ड्राइवर को देना होता है। वो ड्राइवर जो है वो 4 डिजिट का जो OTP होता है वो ड्राइवर अपने डिवाइस में रखता है, तो उसको पता चल जाता है कि आप कहां से कहां तक के लिए आप ओला कैब बुक किए हैं। फिर आप ओला कैब में बैठ जाएंगे और जहां के लिए जा रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे, तो फिर आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको ड्राइवर को देना होता है। इसके बाद अपना पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपको जहां जाना है वहां पे आप जा सकते हैं। ओला कैब को कैसे बुक किया जाता है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप ओला कैब एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, या आपको प्ले स्टोर से ओला कैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना है। चलिए हम यहां से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां पे आपको कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां पे बोला जा रहा है कि कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर या गूगल या फेसबुक, तो आप तीनों में से किसी से भी इस पर आप लॉगिन हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर पर क्लिक करके यहाँ मैं फ़ोन नंबर डाल के मैं फ़ोन नंबर से यहाँ पर लॉगिन हो लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पे 4 डिजिट का आपके पास OTP आएगा, ये ऑटोमेटिकली यहां पे डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आपको इसमें OTP डाल देना है। जैसे मेरे केस में यहां पे आया है, ये डिटेक्ट नहीं किया है, तो मैं यहां पे OTP यहां पे डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही ये जो है आपका अकाउंट इस पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलाउ का ऑप्शन है, आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। जैसे इसको अलाउ करते हैं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ओला कैब, चलिए यहाँ पर मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। इस तरीके से आपको परमिशन दे देना है। यहाँ पे देने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप ओला कैब एप्लीकेशन पे आप लॉगिन हो चुके हैं और आपका जो है ओला कैब पे आपका अकाउंट बन चुका है। यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो है मैप में आप सर्चिंग हो रहा है और जहाँ भी रहेंगे वहाँ का जो लोकेशन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हूँ बिहार में, मैं बांसोपट्टी हूँ, तो यहाँ पे लोकेशन ये शो कर रहा है। आप एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप ओला कैब को कैसे बुक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा होगा योर करंट लोकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। पहला तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि पिकअप पॉइंट, मतलब ड्राइवर जो ओला कैब वाला जो गाड़ी लेके आएंगे तो वो आपको कहाँ से पिकअप करेंगे, कहाँ से लेंगे, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। ऊपर वाले में सर्च फॉर एन एड्रेस पे डालना है। और दूसरा जो है इंटर डिसिग्नेशन, तो आपको कहाँ जाना है वो एड्रेस आपको नीचे वाले में डाल देना है। जैसे हमको मेरा एक फ्रेंड है उसके लिए मैं बुक करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं वो एड्रेस यहाँ पर डालूंगा। जैसे मैं अभी इस टाइम बिहार में हूँ और मेरा फ्रेंड दिल्ली में है, तो मैं ओला कैब दिल्ली में बुक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वहाँ का एड्रेस डालूँगा। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ लाल किला, इस तरीके से लाल किला डाल देता हूँ। लाल किला डाल से डालिएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नीचे में सर्च होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आ चुका है, यहाँ बिहार से ये जो लाल किला की जो दूरी है वो 892 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के लिए बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ कंटिन्यू अनदर एड्रेस, अगर दूसरा एड्रेस आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करके इसको डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुतुब मीनार। जैसे कुतुब मीनार डालिएगा तो आपको यहाँ पे सर्च लिस्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में ही आ चुका है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ओला जो भी ओला कैब होगा उसके नज़दीक में, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने ओला कैब जाने वाले हैं वो सर्च लिस्ट में यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुक यानी है, ऑटो है, और यहाँ पे जो है आपको 2 मिनट में उस एड्रेस पे जो है लाल किला पे आपको पहुँच जाएगा।
यहाँ पर देखिए कि 218 रुपया है इसका प्राइस है, ऑटो का 227 रुपया है, मिनी का 218 रुपया है। इस तरीके से बाइक का है, प्राइम का है, बहुत सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 मिनट में, 2 मिनट में, बाइक 3 मिनट में, यहाँ पे जो मिनी है 2 मिनट में, ऑटो 2 मिनट में जो लाल किला पर पहुँच जाएगा, और जो उसके अगल बगल में ही जो है ओला कैब है। तो चलिए हम यहाँ मिनी बुक करना चाहते हैं, तो मिनी वाले पर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन आ चुका है बुक मिनी, हम यहाँ पे बुक मिनी पर क्लिक करके हम इसको बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कैश और कूपन का, तो इस पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कूपन नंबर भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे ओला मनी से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, इसके बाद यहाँ पे एड मनी, ओला मनी है, यहाँ पे भीम UPI है। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कैश देना चाहते हैं तो हम कैश वाले पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, इसके बाद यहाँ पे बुक मिनी है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, ओके करूँगा। यहाँ प्रोसीड वाला ऑप्शन आ चुका है, मैं इसको प्रोसीड कर लेता हूँ। प्रोसीड करते यहाँ पर देखिए यहाँ सर्चिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए कि ड्राइवर को सर्च कर रहा है, जो भी इसके अगल बगल में ड्राइवर होगा उसको जो मेरा है नंबर चल जाएगा, वो हमसे कनेक्ट कर पाएगा, और मेरा जो है मोबाइल नंबर जो मैं शुरू में दिया हूँ वो नंबर उसके पास चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फोटो यहाँ पर आपको चेंज हो रहा है, और ये सर्चिंग हो रहा है, जो भी अगल बगल में होगा वो आपके लिए यहाँ पर बुक कर देगा। तो इसको सर्चिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट, यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे ड्राइवर जो गाड़ी का नंबर भी आ चुका है। यहाँ पर आपको स्टार्ट OTP है, यहाँ 6865, यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर है, और या इस तरीके से आप इसको कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर जैसे आपके पास जो गाड़ी आएगा, ओला कैब आएगा, तो ड्राइवर आपसे OTP मांगेगा, तो वो आपको यही OTP देना पड़ेगा जो यहाँ पे 6865 जो है, 6865 OTP है, वो आपको OTP देना पड़ेगा जो ड्राइवर आपसे OTP मांगेगा। तो ड्राइवर OTP लेके वो अपने डिवाइस में डालेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ के लिए गाड़ी बुक किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आपको ये OTP अगर बुक कर रहे हैं तो आपको ये OTP आपको नोट करके रख लेना है। इस तरीके से यहाँ पे उसको कॉल करके उससे बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जो पेमेंट वगैरह का। अगर आपको इसको बुक नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ कैंसिल वाले पे क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी इसमें से एक ऑप्शन चूज करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जहाँ पे हम कैंसिल ऐड पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से देखिए यहाँ पे है बुकिंग कैंसिल, ओके कर देते हैं। यहाँ से देखिए जो है मैं बुक किया था वो जो है ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप ओला कैब को बुक कर सकते हैं, और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब तो ये बात हुई कि आप एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ओला कैब कैसे बुक करेंगे और उसको कैंसिल कैसे करेंगे। अगर आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो आप ओला कैब कैसे बुक करेंगे। तो आपको यही सेम ही मेथड है, इसके लिए सिंपली आपको बैक आ जाना है। इसी तरीके से आउट स्टेशन जाने के लिए, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, आपको यहाँ पे योर करंट लोकेशन है, इस पर आपको यहाँ पे अपना लोकेशन डालना पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं अपना लोकेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ कुतुब मीनार। इस तरीके से यहाँ पे आपको डालिएगा तो यहाँ सर्च लिस्ट में आपका आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कहाँ के लिए जाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कंटिन्यू न्यू लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं लोकेशन चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ का लोकेशन मैं यहाँ पर डाल दूँगा। जैसे मैं यहाँ जाना चाहता हूँ बिजनौर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे वहाँ का लोकेशन आपको नीचे वाले में डालना है। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे आ चुका है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका जो लोकेशन यहाँ पे शो कर देगा, और जो भी गाड़ी वगैरह जो जाएगी वो सारे के सारे यहाँ पे आपको लोकेशन में यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पर देखिए बुक एन और स्टेशन राइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो है न्यू टैब फिर से यहाँ पर आपको ओपन होकर यहाँ पर आपको दिखला देता है। तो यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो मिनी जाएगी, प्राइम जाएगी, और यहाँ पर आपको ढेर सारा जो है जो ओला कैब जाने वाली है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे इसका प्राइस भी देख रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेशन, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको इतने सारे ये पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है वन वे और राउंड ट्रिप। तो यहाँ पे वन वे में मतलब है कि आप सिर्फ जाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर
वनवे पर रखेंगे, और अगर आप जाना और आना दोनों चाहते हैं तो राउंड ट्रिप पे यहाँ पे टिक मार्क रखेंगे। जैसे अगर आपको जाना यहाँ पे है रिव्यू बुकिंग, आपको यहाँ पे रिव्यू बुकिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसको जो है टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा है, मिनी है, फोर सीटर है। आपको यहाँ पे जो है डेट आ जाता है, यहाँ पे आपका टाइमिंग आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको 99 रुपया में आपको इंश्योरेंस यहाँ मिल रहा है। तो इन इंश्योरेंस का आपको यहाँ पे एड इंश्योरेंस पे क्लिक करके इसको आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि इंश्योरेंस में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑल बेनिफिट है, इसका आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि राइड इंश्योरेंस डिटेल आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे आपको 15 लाख मिलेगा। इसके बाद आपको इंजरियस हो जाता है, कोई इसे घटना हो जाता है, टूट फूट जाता है हाथ पर या कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपये तक का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आपको ये इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं होता है कब क्या हो जाता है। तो इंश्योरेंस कराने के लिए यहाँ पे देखिए आपको 99 रुपये लगेगा, और यहाँ पे है कि एड राइट इंश्योरेंस, आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए कि इंश्योरेंस यहाँ पे आपका हो चुका है। यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पर आप इसको टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लीजिए। यहाँ पे आपको कैश और अप्लाई कूपन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप कैश देना चाहते हैं या ओला मनी से पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, UPI, अब जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे कैश देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कैश वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ चुका है, इसको कन्फर्म कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको वन वे में अगर आपको गाड़ी नहीं बुक हो रहा है तो आपको यहाँ राउंड ट्रिप में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। राउंड ट्रिप में सेलेक्ट करने के बाद आपको गाड़ी और जाएगी और आएगी, और यहाँ पे इसका प्राइस देख सकते हैं कि मिनी का है 9 रुपया पर किलोमीटर है, और यहाँ प्राइम का है 10 रुपया पर किलोमीटर। तो यहाँ नीचे जितनी स्टैंडर्ड गाड़ी आएगी उसका प्राइस भी यहाँ आपको बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने किलोमीटर जो अच्छा गाड़ी है उसके प्राइस भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे राउंड ट्रिप पे क्लिक करके आपको जाना आना है। अगर इससे वन वे से बुक नहीं हो रहा तो आपको ये वाला बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ बुक रिव्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जो है टुडे है, टुमोरे है, जो भी डेट में जाना चाहते हैं यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। इस यहाँ से आपको जो है टाइमिंग सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से मिनट और यहाँ से AM PM आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक करके इसको आप कन्फर्म भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए अगर हम सिर्फ जाना चाहते तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको जाना आना तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करके इसी तरीके से टाइम कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे जाना और आना चाहता हूँ तो ये करूँगा, और सिर्फ मैं जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे वन वे पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिव्यू बुकिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ढेर सारा फिर उसी तरीके से ऑप्शन आ चुका है जो मैं अभी आपको बताया था। यहाँ पे कन्फर्म बुकिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगर ये गाड़ी जाएगी तो यहाँ पे आपको सर्चिंग लिस्ट में यहाँ पे बताएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो है राइड शेड्यूल, और यहाँ पर अब लिखा रहा है वन वे ट्रिप बिजनौर, आपके यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपका पैसा आ गया। यहाँ डन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो जाएगी तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा, और नहीं जाएगी तो यहाँ पे जो है आपका ये शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर व्यू डिटेल है का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे जो इसको बुक किया हूँ तो यहाँ पे इसका आ रहा है। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सत्येंद्र कुमार है, और यहाँ पर मिनी आउट ऑफ स्टेशन के लिए जाएगी। यहाँ पर देखिए कि इसको तरफ से यहाँ पर जो मैसेज भी आ चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि 6 घंटे का यहाँ पर आपका जो है राउंड ट्रिप रहेगा, और यहाँ पर देखिए कि आपका टाइमिंग आ गया, और ये टाइमिंग आपका यहाँ पर ये रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर इसका बेनिफिट आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो इंश्योरेंस भी आप जो किए हैं वो आपका है राइड इंश्योरेंस में आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको पैसा देख रहे हैं कि 3,236 रुपया आपका यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो इसका पूरा यहाँ पे लोकेशन आ जाता है, यहाँ पे वो नाम आ जाता है, और आपको जो है यहाँ पे आप जो आज के डेट में आपको यह पिकअप ये इस टाइम और डेट में आपको यहाँ पर 10 PM जो देख रहे हैं इस डेट में आपको इस टाइम में आपको 10 बजे आपको पिकअप करेगा आज के डेट में। तो मैं अभी जो बुक किया हूँ वो जो आप यहाँ पर टाइमिंग शो कर रहा है 4 बज रहा है वो PM।
आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख में 4 बजे में बुक किया हूँ, वो शो कर रहा है, और मैं आज हमको ये पिकअप करेगा 10 बजे रात में, तो वो आपको यहाँ पर 11 फरवरी में शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर शो कर देता है। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो यहाँ से नीचे कैंसिल है, इसको कैंसिल क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक राइट पर क्लिक करके इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैं अभी क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि जो है ये जो पर्सन है ये आपको यहाँ पे OTP आ चुका है, यहाँ पे 3662 ये आप जो ये जो गाड़ी लेके आएगा तो आपसे एक OTP मांगेगा, तो आपको यहाँ 3662 है OTP, वो OTP आपको ड्राइवर को देना है। जैसे ड्राइवर को OTP दीजिएगा, ड्राइवर आपके जो वो अपने डिवाइस में डालेगा, डालते ही आपको उसको पता चल जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे जो है संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे कॉल से भी इसको संपर्क कर सकते हैं, यहाँ मैसेज से भी इसको बात कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपका टोटल फेयर आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि आप जो है कैश देने वाले हैं, यहाँ से आप चेंज भी प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आप भीम UPI वॉलेट से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है इंश्योरेंस वगैरह आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि ओला कंपनी की तरफ से मेरे पास यहाँ मैसेज भी आ चुका है, जो मैं इसको अभी बुक किया हूँ। तो इस तरीके से आपको जो ये है OTP आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये OTP बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये OTP है जो 3662, ये OTP आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि ड्राइवर मांगेगा OTP, तो ये आपको OTP आपको ड्राइवर को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्राइवर का पूरा एड्रेस, फोटो, गाड़ी का नंबर जो है, ओला कैब का जो भी नंबर है वो आ जाता है। OTP आपको संभाल कर रख लेना है। अगर कॉल करना चाहते हैं यहाँ से कॉल कर सकते हैं, मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ मैसेज और ड्राइवर पर इसको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस आ जाता है कहाँ से कहाँ आपको जाना है। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो यहाँ कैंसिल वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 रुपया कैंसिलेशन फीस आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। यह चार्ज कब लगेगा? अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तब तो आप जो नेक्स्ट टाइम दूसरी बार अगर जो आप ओला कैब बुक करते हैं तो ये आपको जो 50 रुपया फिर वहाँ पे आपको ये 50 रुपया ऐड होके आएगा जहाँ भी आप बुक कीजिएगा वहाँ पे। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो है चार्ज आपको यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पर आप रीज़न चूज कर लीजिए कौन कि क्या रीज़न है, आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्राइवर डिलीटेड टू कम टू पिकअप में रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कैंसिल एट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आपको ओपन होकर आ जाता है बुक कैंसिल का, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करते यहाँ पे देखिए आपका मैसेज भी आ चुका है ऊपर में, बुकिंग कैंसिल। तो इस तरीके से आप जो है एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ओला कैब बुक कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या आउट ऑफ स्टेशन मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आप ओला कैब को बुक कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब तो बात हुई कि ये सब, अगर आपको इसमें और जानकारी लेना है तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है योर राइट पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कितनी आप जो ओला कैब बुक की हैं और उसको कैंसिल किए हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आप इतने सारे जो हैं बुक किए हैं और यहाँ पर इतने सारे आप कैंसिल कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो ओला कैब बुक भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 डॉट पर जाएंगे। 3 डॉट पर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओला पास का। ओला पास से आप यहाँ पे ओला पास बनवा सकते हैं। अगर आपको रोज़ का आना जाना है तो यहाँ पे आप ओला पास बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओला मनी का। ओला मनी पर क्लिक करके आप यहाँ से ओला मनी से भी आप यहाँ पे ड्राइवर को पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है ओला मनी में आप यहाँ पे वॉलेट में आप पैसा भी रख सकते हैं। मगर मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे जो पैसा नहीं रखे, क्योंकि ये अनावश्यक भी यहाँ से कट हो जाता है, और ड्राइवर को ज़्यादातर जो है कैश ही पसंद होता है, या फिर उसके जो अकाउंट में या जो भी पेटीएम वगैरह है उसमें पैसा डालिए तो ड्राइवर को वही पसंद होता है। अगर ड्राइवर आपसे पूछता है कि आप पैसा कैश देना चाहते हैं या फिर ओला मनी से देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका यह राइड का कैंसिल भी कर दे, क्योंकि जो है आप पैसा जो ओला मनी से दीजिएगा तो पैसा पहले ओला मनी कंपनी के पास जाएगा, फिर वहाँ से ड्राइवर के पास आएगा, तो ड्राइवर ये पसंद नहीं करता है। तो कभी कभी होता है कि ड्राइवर पूछ देता है कि आप पैसा कैश देना चाहते हैं या ओला मनी से देना चाहते हैं। अगर आप बोल देते हैं कि ओला मनी से, तो फिर वो आपके जो राइड्स बुक किए हैं वो कैंसिल भी कर सकता है। तो ड्राइवर को भी ज़्यादातर पसंद होता है कैश ही। तो इस तरीके से हम बैक आएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है सफ़र में, तो यहाँ सपोर्ट पर जाके यहाँ से आप जो है सपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ढेर सारा जो ऑप्शन यहाँ पे है सेफ्टी वगैरह का, तो यहाँ से आप यहाँ कुछ भी सपोर्ट ले सकते हैं। अपने अकाउंट में यहाँ माई अकाउंट में जाके यहाँ पर अपना अकाउंट यहाँ सेटलमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं अबाउट पे है। अबाउट पे जाके यहाँ पे आप अपना जो है इसका जो प्रोफाइल को इसको यहाँ पे आप सेटिंग
सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर सेटिंग करके अपन जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको आप यहाँ से सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। सो गाइस इसी तरीके से आप एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप ओला कैब को बुक कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप आउट ऑफ स्टेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आप ओला कैब को बुक कर सकते हैं और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से ओला कैब को बुक किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।